ये मेरे दो प्रश्न है आपसे। दो कौन कौन से हैं? है? दो कौन कौन से? उत्तर दीजिए, बैठिए। दो कहां भाई? एक ही बहुत दिन लिख के लाए थे घर से, अभी याद बता दे रहा हूँ आपको। याद चलिए श्री विनोद प्रश्न किया था और मंत्री जी ने जवाब दिया कि फसलों में नए रोग फफूंदियों कीटों और खरपतवारों के पैदा होने पर भारत सरकार राज्य सरकार को प्राप्त आंकड़ों सूचनाओं के अनुसार केंद्रीय अगला प्रश्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से शोध कार्य किया जाता है और दूसरा भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड एवं पंजीयन समिति CIB & RC के माध्यम से विभिन्न हितधारकों यथा उद्योग संघों किसानों आदि से प्राप्त आपत्तियों सुझावों का परीक्षण कराकर कीटनाशी अधिनियम 1968 के अंतर्गत समुचित कार्रवाई की जाती है। हमें ये बताएं माननीय अध्यक्ष जी, कोई किसान ये अधिनियम 1968 पेज का है कभी पढ़ता भी नहीं होगा कोई किसान। माननीय मंत्री जी, बुंदेलखंड से हम आते हैं और ये देखिए 18 जिलों की फसलें की पैदावार कम हुई है जिनमें 5 जिले बुंदेलखंड के हैं, महोबा, ललितपुर, बांदा, झांसी, जालौन। इनकी जो है हालत ये है कि मटर और चना में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मटर होता है, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मटर होता है और उस मटर की हालत ये हुई है कि आधे पूरे जिले में आधा मटर किसानों को बखरना पड़ा क्योंकि उसमें इली लग गई और जो चना था उसको भी बखरना पड़ा। डीजल महंगा, खाद महंगी और बीज महंगा, कैसे किसान अपना सर्वाइवल करे? 60% नहीं, बुंदेलखंड में तो 90% है किसान पर आधारित। बुंदेलखंड में ना कोई बिजनेस है, बुंदेलखंड में एक खनिज संपदा थी वो भी सरकारों ने खत्म कर दी। पहाड़ है तो वो गड्ढे हो गए, नदियां हैं तो बिल्कुल सूखने पे कगार पे हैं। तो बुंदेलखंड का आदमी तो किसानी से ही जिंदा है, उसी से वो अपनी बेटियों की शादी, लड़कों की पढ़ाई, सारा सब कुछ करता है। तो कैसे जो है किसान जिंदा रहेगा? माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न है माननीय मंत्री जी से, मेरा प्रश्न है कितने किसानों पर शोध किया गया और कितने लोगों को दंड दिया गया, इसकी लिस्ट मिल जाए। कितने एकड़ फसल को कीटों एवं फफूंदी से बचाया गया? एक। दूसरा, क्या किसानों की जिनकी फसलें फफूंदी एवं कीटों से नष्ट हो जाती हैं, कितने किसानों को सरकार ने मुआवजा दिया? चना मटर की फसल जो इलियों का प्रकोप हुआ उससे निपटने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी? प्रदेश में कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयां प्रतिबंधित की गई हैं? दूसरा है मेरा, कीटनाशी अधिनियम 1968 ये 29 पेज का है माननीय अध्यक्ष जी, हम नहीं पढ़ सकते, खैर किसान क्या पढ़ेगा। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा बताया गया कि खतरनाक रसायन और कीटनाशक प्रयोग के संबंध में समय समय पर किसी विश्वविद्यालय के एवं अन्य शोध संस्थानों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। आपसे अनुरोध है पिछले एक साल अध्ययन किए गए हों तो कृपया रिपोर्ट संकलन करने की कृपा करें। ये मेरे दो प्रश्न है आपसे। दो कौन कौन से हैं? है? दो कौन कौन से? क्या दो प्रश्न कौन कौन से हैं जरा बताइए, क्योंकि दो तो है और कौन कौन से, वही तो पूछ रहा हूँ। दो ही बोले वो? दोबारा जरा बिना पढ़े दोबारा बोल लीजिए। दो ही बोले हैं, आवाज नहीं आ रही है। देखिए, दो जो प्रश्न आपने किए हैं वो दो कौन से प्रश्न हैं जरा पूछिए। तो एक मैंने किया है, लिख के लाए थे घर से, अभी हाल बता दे रहा हूँ, लंबा है मामला। आपको याद है किसानों पर शोध किया गया? एक प्रश्न। हाँ, कितने लोगों को दंड दिया गया? दो प्रश्न आ गए जी, उत्तर दीजिए, बैठिए। दो कहां भाई? एक ही बहुत दिन वो तो एक ही है, इनके जवाब ही मैं पूरे में एक। दो प्रश्न आपने किए ना, चलो दो बता दें। दो माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी चाहिए नहीं जवाब, उन्होंने पूछा है माननीय। पहले तो ये पूछा था कि कितने दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया गया,
दवाइयों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार जिस अधिनियम को आपने बताया उसके अंतर्गत भारत सरकार के अधिकारिता में आता है। नंबर एक, रुक बता रहा हूं मैं, पिछले वर्ष बासमती में इस तरीके की शिकायतें आई थी कि उनके प्रोडक्ट में क्रॉप रेजिड्यू जा रहा है, तो ऐसे दो दवाइयों को ट्राईसाइक्लाजोल और ग्लूकोजिन जिसके भीतर पाया गया था, गत वर्ष भी राज्य सरकार के पास अधिकार 60 दिन का है और उसको उस मौसम के भीतर 60 दिन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया 25 सितंबर 2023 से 2 महीने के लिए और इस साल 30 सितंबर 2022 से अब तक के लिए। दूसरा, आपने कहा कि कार्रवाई कितने लोगों के खिलाफ की गई है, तो कार्रवाई के बारे में भी बताता हूँ आपको और उसके बाद थोड़ा जो आप भूल गए थे उसको भी बताता हूँ। 3,850 नमूना लिया गया था, आहरित नमूनों का प्रतिशत 103 था, विश्लेषित नमूने 2,908, मानक नमूनों की संख्या 2,735, अधो मानक की संख्या 173, 2023-24 में दायरवादों की संख्या जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए 298, जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए 38 और आर्थिक दंड जिनपे लगाया गया उनको 59 और अभी तक जो इस माह में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दूसरा, आपने कहा कि इसी बात के लिए कि बुंदेलखंड के हमारे किसान भाई उन्नतशील खेती कर सकें, बीमारियों के बारे में जानकारी हो सके, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार के द्वारा वहाँ रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराई है, जिसका सीधा लाभ आपको मिल रहा है। यदि आपको कोई शिकायतें इस तरीके की कहीं पाई जाती हैं तो आप उन तक पहुँचाने का काम करेंगे। मैं प्रतिवर्ष 2 साल में 2 बार कम से कम झांसी मंडल के भीतर और 2 से 3 बार बांदा मंडल के भीतर जाता हूँ और जैसा आपने कहा कि रहर उखाड़ वो मटर फेंक दिया गया, चना फेंक दिया गया, इतनी अच्छी फसल पिछले साल मटर की आई जिसकी खरीदारी के लिए भी वहाँ पर कंपनियों के साथ MOU करके और उनको आपूर्ति की गई और जिससे वहाँ के किसानों को प्रति किलो 80 पैसा ज़्यादा उनको लाभ मिल सका। कि हाँ फसल अच्छी थी इस वर्ष, खड़ी फसल बखर दी गई है, आप पता लगा लें, मैं गांव बताई देता हूं, कैथेरी है, बिनौरा है, कौच ब्लॉक के कई गांव हैं। एक आप लिख के दे दो माने विनोद जी, आप एक हमारे पड़ोसी है माननीय अध्यक्ष जी, अब समरपाल सिंह जी कुछ पूछना चाहे। कहाँ के पड़ोसी है, वहाँ क्षेत्र के या कुर्सी के? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।